नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पक्षियों को दाना डालने के फायदे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पक्षियों को दाना खिलाने का अपना महत्व है। ग्रहों की शांति के लिए पक्षियों को दाना डालना उत्तम फल देता है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो पुण्य कमाने के लिए दाना डालते हैं। हालांकि विभिन्न तरह के दाने ग्रहों की शांति के लिए बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पक्षियों को दाना खिलाने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा, एकाग्रता और संतान की समस्या के मामले में पक्षियों को दाना डालना बेहतरीन परिणाम देता है। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने से घर में समृद्धि आती है, साथ ही घर का क्लेश समाप्त होता है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि पशुओं को खाना खिलाने से न सिर्फ हमारे पाप दूर होते हैं बल्कि ग्रह दोषों में भी सुधार होता है। चींटी, चिड़ियों, गिलहरियों, कबूतर, तोता, कौआ, पक्षियों के झुंड, गाय, कुत्तों को नियमित दाना पानी देने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, ग्रह क्लेश होंगे खत्म, स्वास्थ्य में होगा सुधार। पशु एवं पक्षियों को दाना पानी देने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से छुटकारा बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। एक ओर हम प्रभु की भक्ति के कृपा पात्र बनते हैं, वहीं हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पुण्य भी प्राप्त होता है। अगर आपके मन में भी दिन भर बेचैनी सी रहती है, आपके काम ठीक समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं, पारिवारिक क्लेश नियमित रूप से चलता रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो निश्चित ही आपको पक्षियों को दाना खिलाने से आनंद की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पक्षियों को ये दाना डाला तो सूर्य बुध होंगे मजबूत। गेहूं खिलाने से सूर्य की पीड़ा दूर होती है। चावल से मानसिक परेशानियां दूर होकर शांति मिलती है। मूंग की दाल से बुध ग्रह से होने वाली परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। चने की दाल से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। पशु पक्षियों को ज्वार खिलाने से शुक्र ग्रह की पीड़ा खत्म होती है। लड्डू पंजीरी खिलाने से मिलेगा लाभ। कुंडली में यदि राहु केतु की महादशा हो तो पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। कौ और कुत्तों को ग्रास देने से शनि, राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। गिलहरियों को बाजरा, बिस्किट, रोटी खिलाने से जीवन में आने वाली हर कठिनाई से आसानी मुक्ति मिल जाती है। चींटियों के लिए 100 ग्राम शक्कर या बेसन के लड्डू पंजीरी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, साथ ही मानसिक शांति का एहसास भी होगा। पक्षियों की सेवा करने से बीमारियां होती हैं दूर। आमतौर पर पक्षियों को बाजरा या अनाज के दाने डालने की परंपरा है। बुध के कमजोर होने पर पक्षियों को अनाज खिलाया जाता है। पक्षियों को आमतौर पर सुबह के समय या दोपहर के समय दाना डालना चाहिए। शिक्षा, एकाग्रता और संतान की समस्या के मामले में पक्षियों को दाना डालना बेहतरीन परिणाम देता है। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने से घर में समृद्धि आती है, साथ ही घर का क्लेश समाप्त होता है, साथ ही घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, आरोग्यता आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।